सो ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इजिली ग्रिड को इरेज कर सकते हो। सो जिस टेक्निक का मैं इस्तेमाल करता हूँ वही टेक्निक आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे ग्रिड को इरेज कर सकते हो। हम लोग ने विराट कोहली का जो आउटलाइन बनाया था आप लोग ने देखा होगा वीडियो में, अगर नहीं देखा तो इसका ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर दिया हो तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ने आउटलाइन बनाया था उसी के ऊपर ग्रिड मेथड बनाया था, तो इसी के ऊपर ग्रिड हम लोग इरेज करेंगे इसी को। इसके लिए मैं दो प्रोडक्ट का यूज़ करूँगा, एक है नॉर्मल इरेजर और एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉम्स रिट्रैक्टेबल इरेजर है एक। ये 25 रुपीज़ का मिलता है आप लोग को मार्केट पर, ईजिली 25 रुपीज़ का मिल जाएगा, आप लोग बाय कर सकते हैं इसको। इन दोनों प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा, यूज़ करूंगा, उसके साथ दो रिफिल भी मिल जाता है, काफ़ी सही है इस प्रोडक्ट को, खासकर आप लोग ग्रिड को इससे इजीली इरेज कर सकते हो। और आप लोग चाहे तो मोनो जीरो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। मोनो जीरो इरेजर का भी हम लोग यूज़ कहीं कहीं जगह पे करेंगे। हम लोग इसका भी इरेजर का यूज़ हम लोग कहीं कहीं जगह पे करेंगे। आप लोग चाहें तो केवल इसी इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, रिट्रैक्टेबल इरेजर का। तो सबसे पहले हम लोग बड़े एरिया के ग्रिड को इरेज करने के लिए यूज़ करेंगे नॉर्मल इरेजर का। हम लोग नॉर्मल इरेजर से जहाँ पे बड़े एरिया है वहाँ पर वो वाला ग्रिड इरेज करेंगे। सबसे पहले आप लोग पेज के चारों तरफ मास्किंग टेप को लगा लीजिएगा ताकि पेज हिले ना। हम लोग इस वाले इरेजर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोग नॉर्मल इरेजर से इरेज कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कोई और इरेजर का यूज़ करेंगे। अब मैं यूज़ करूँगा डॉम्स का रिट्रैक्टेबल इरेजर। इससे अब हम लोग फेस की जो लाइनिंग है और जो हेयर ऑयल में लाइनिंग है उसको इरेज करेंगे। आप लोग ने देखा जैसे मैंने पहले जहाँ ज़्यादा बार आप एरिया था इरेज करने में एकदम इजीली इरेज हो जाता, उसके लिए मैंने बड़ा वाला इरेजर यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने उससे थोड़ा सा छोटा वाला, इसका मतलब थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पतली निप है उसके भी, हम लोग इसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे मोनो जीरो इरेजर, उसकी पतली निप है एकदम, तो वो हम लोग आई के लिए एकदम यूज़ करेंगे, जहाँ पर आई में एकदम छोटे छोटे एरियाज हैं आप लोग को इरेज करने के लिए दिख रहे होंगे। उससे हम लोग मोनो जीरो इरेजर से इरेज यूज़ करेंगे। आप लोग चाहें तो इस इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं मोनो जीरो इरेजर को छोटे छोटे एरियाज को इरेज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। गाइज अब आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग का ग्रिड जो है वो इरेज हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्टली इरेज हुआ है, आउटलाइन पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। आई होप आप लोग को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।